स्वागत है आप सभी का एक नए Q&A में। जस्ट उठा हूँ मैं एंड मेरे को बहुत नींद आ रही है, बट एनीवेज आज का दिन एक काइंड ऑफ बड़ा दिन होने वाला है बिकॉज वी हैव अ Q&A वीडियो टू फिल्म। एक अपकमिंग आई गेस ऑलरेडी वो वीडियो आउट आ चुका रहेगा बाइसेप्स का वो, एंड वी हैव अ बैक वर्कआउट अलॉन्ग विद अ सप्लीमेंट स्टैक का वीडियो जो अभी मेरे को 10 मिनट में फिल्म करना है और सारे। सो जितने भी क्वेश्चन रह गए आई टेक यू गाइस थ्रू आउट माई डे, काइंड ऑफ अ डे इन द लाइफ वीडियो, एंड मेरे कॉलेज ने एक प्रॉम ऑर्गेनाइज किया है एंड इन लोग ने मेरा नाम उधर लिख दिया, सो या आई एम नॉट गोइंग। 600 रुपए कौन चार्ज करता है यार? दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, अभी अर्श को मिलूंगा एंड तभी आप लोगों को मिलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चला, व्हाट्सअप टेंटेशन की टी शर्ट लोगों को सप्लीमेंट स्टॉक का वीडियो फिल्म करना है, द वन एंड ओनली अर्श कैमरा के पीछे, उसके पहले Q&A का फिल्म करना है एक क्वेश्चन। अभी जमशा का चल रहा है कूपन कोड का, सो यू गाइस कैन जस्ट चेक आउट दिस वीडियो। अभी हम लोग इसका वीडियो फिल्म करेंगे एंड आप लोगों को मिलेगा सीधा उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कॉफी बनाते हुए काफी 3 या 4 मिनट लगे हम लोगों को एक टेक में फिल्म किया, ऐसा पहली बार हुआ हमेशा। बट जैसे कि मैंने कहा अभी ये एक अर्श को मैं पिलाने वाला हूँ, ये चल, एंड ये अभी मेरा जो पुराना फोन का वाइड एंगल लेंस है वो ये लेके जा रहा है, इसको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट आ रहा है, सो आई एम हैप्पी। बट इसका अभी आपका जेन्युइन रिएक्शन देखने मिलेगा कि कैसा है एंड अनबायस्ड। बट इसकी ये टेंटेशन की टी शर्ट का मस्त है। In a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. वापस से नहीं लेके जा रहे हैं मैं कॉलेज। योर फेवरेट कैरेक्टर इन द ऑफिस कैट का है? अभी जस्ट सुपर फैन एपिसोड्स देख रहा था, बट या अगर आप ऑफिस देख चुके हो और आपने सुपर फैन एपिसोड्स नहीं देखे, यू गाइस आर मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ फन स्टफ। व्हेन आर वी गोइंग टू गेट ड्रंक एंड शूट आस्किंग ड्रंक गर्ल्स डैम क्वेश्चंस पार्ट 1। जब भी हर्ष टू मुंबई आएगा, वी आर गोइंग टू फिल्म गेटिंग ड्रंक एंड आस्किंग ड्रंक गर्ल्स सम क्वेश्चंस। बट आर यू प्लानिंग टू मूव टू वेगास विद मी? Yes. How big are those biceps? मेरे पास measuring tape. तूने जो measuring tape चुराई थी, तूने किसे measuring tape चुराई थी? वो रात को ले गया। अरे cut कर देना। मैं नहीं cut करा, पागल है। ये इसी में तो मजा है। But which company supplements do you take? I take all my supplements from Nutrabe. You can check them out. Link is in the description. बट या अभी मैं कुछ खाऊंगा, मोस्टली उसके बाद जम जाऊंगा। जब मैं आज फिल्म नहीं करने वाला, बट आप लोगों को छोटा सा मोन्टाज दिखा के नेक्स्ट क्वेश्चन उधर पूछूंगा मैं पुल के पास। Beautiful this place is. ये जगह इतनी मस्त है, बट यहाँ पे मेरे पास बैठ के Q&A रिकॉर्ड करने की कोई जगह है नहीं, एंड मैं मेरा कैमरा लाया हूँ नहीं आज, तो या दिस इज जस्ट स्टार्ट। यू नो व्हाट, एक्चुअली वेट अ सेकंड। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, व्हेन डिड यू स्टार्ट लिफ्टिंग एंड हाउ डिड यू ग्रो सो स्ट्रॉन्ग? टू आंसर दैट क्वेश्चन, आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग इन 2018, बट वो सिर्फ प्योर कार्डियो था। वो जो मेरी क्रंचेस वाली क्लिप है वो तभी की है, एंड 6 महीने तक मैंने सिर्फ कार्डियो किया था इम्प्रॉपर ट्रेनिंग एंड रॉन्ग नॉलेज के साथ। तो आई बिकेम एक्सट्रीमली स्किनी फैट, एंड देन अबाउट 6 महीने लॉकडाउन के बाद 2020 में
I started seriously lifting in October of 2020 and October 2020 से March 2021 तक बहुत अच्छा progress गया. मेरे abs आ गए थे which I thought was cool but I was still small and then उसके बाद lockdown happened and then May 23rd से जब भी मैंने नहीं May 25th को मैंने मेरा पहला pull workout का video डाला था. That's when I started taking lifting seriously. सब कुछ अच्छे knowledge के साथ रिसर्च किया लॉकडाउन में एंड नाउ आई एम वेयर आई एम. अबाउट एक साल होना है वो चीज़ को एंड आई एम इन द बेस्ट शेप ऑफ माई लाइफ एंड आई एम गोइंग टू गेट बेटर इन द अपकमिंग मंथ्स. एंड द रीज़न आई ग्रो सो स्ट्रॉन्ग इज बिकॉज आई वॉज कंसिस्टेंट एंड या कंसिस्टेंसी इज द की. बींग बेटर देन यू वर लास्ट टाइम, बींग बेटर देन यू वर लास्ट वीक एंड जस्ट कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग योर सेल्फ विथ प्रॉपर नॉलेज विल गेट यू प्लेसेज यू कैन नॉट इवन इमेजिन. बट या मैं ये क्वेश्चन का सेशन यहाँ पे एंड करता हूँ बिकॉज मेरे फोन में बैटरी नहीं है एंड आई हैव टू गो होम एंड दैट ड्राइव इज टू लॉन्ग एंड मेरे को बिना म्यूजिक के जाना है नहीं. आई सी यू गाइस सीधा वो बाइसेप्स के वीडियो के फिल्म करने के बाद. गाइस द वीडियो इज डन रिकॉर्डिंग, लेट्स आंसर सम मोर क्वेश्चंस एंड या अभी यहाँ पे वेदर इज चल, आप लोगों को बता दो थोड़े टाइम में. बट तब तक के लिए द क्वेश्चंस आई वांट टू आंसर आर गोइंग टू बी, वन सेकंड मेरा ये लोड हो रहा है. हाँ okay fucking finally, how did you feel facing the camera for the first time? And it's a good question because sahi batao guys meri na phati padi thi because camera mein abhi to baat karne mein mere ko kuch farak nahi padta. start mein main phone use karta tha and phone pakadte like मैंने आर्यन खन्ना के वीडियो में देखा था कि वो ऐसे फ़ोन पकड़ता था तो मैं पहले ऐसे फ़ोन पकड़ता था. देन स्क्रीन पे थोड़ा उधर टैप वगैरह होता ना, फोकस एडजस्ट होता ना, देन उसके बाद मैंने ऐसे फ़ोन पकड़ के फिल्म करना चालू किया. एंड देन ये तो अभी मेरे पास छोटा गोरिल्ला पॉड है बट पहले मेरे पास इतना बड़ा एक ट्राईपॉड होता ना, वो मैं जिम लेके जाता था एंड रस्ते पर लोग मेरे को ऐसे ब्लॉग करते हुए देखते थे. एंड द फर्स्ट टाइम जो मैंने पिकअप किया कैमरा था दैट वॉज मे 23rd को. एंड मे 25th को मैंने एक वीडियो डाला था फर्स्ट पुल वर्कआउट करके एंड अगर उसके एंड में आप जाके देखते हो मैं स्नैपचैट के कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा था एंड या बहुत क्रिंज था, बहुत वियर्ड लगा, बहुत अनकंफर्टेबल था बट या इट वाज वर्थ इट यार, इट वाज रियली वर्थ इट. नाउ वी आर 775 सब्सक्राइबर्स स्ट्रॉन्ग एंड देयर इज नथिंग मोर आई एंजॉय राइट नाउ अदर देन फिल्मिंग एंड एडिटिंग बिकॉज एक अलग सा पैशन जो था ना मेरे अंदर वो अनलॉक हो गया है. एंड फिटनेस से तो प्यार था ही एंड अभी वो सब रिकॉर्ड करके अलग अलग म्यूजिक से अलग अलग वाइब्स प्रोड्यूस करके इट्स जस्ट अमेजिंग. एंड ये कैमरा आने के बाद तो भाई बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है कसम से. फ़ोन में ओवर एक्सपोज रहती है चीज़ें तो वो मेरे को पसंद नहीं आ रहा था बट इससे मैं कलर एडिट कर सकता हूँ, कलर ग्रेड कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ. सो दैट वॉज जस्ट अ ह्यूज ह्यूज गेम चेंजर. That's what she said. But yeah, one more question. And उसके बाद जाके हम लोग कुछ मील खाएंगे या तो अर्श को मिलेगा. How do you manage your expenses? Yeah, I'll tell you guys एक छोटा सा secret. अभी जो दो महीने के supplements मेरे पास आए हैं that was from Ultrabay. But besides that, मैं बहुत कंजूस इंसान हूँ. So मैं expenses manage करने में kind of अच्छा हूँ but kind of बुरा हूँ. एंड मैं अभी तक दो तीन लोगों को 200 रुपये देना है, आई एम नॉट गिविंग दैट. बट या अबाउट दैट, अबाउट मैनेजिंग एक्सपेंसेस, इट्स ऑल अबाउट हैविंग अ बैलेंस इन एवरीथिंग. अगर आप एक दिन सपोज बाहर जाके खा रहे हो 700-800 रुपये खर्चा हुआ है एंड आप अगर आपको प्रोटीन लेना है अगले कुछ हफ्तों के बाद, सो यू हैव टू बैलेंस इट आउट बिकॉज आप खर्चा कर करके भी अपने पेरेंट्स का कितना खर्चा करोगे. That's a thing. And one more reason why I started YouTube, I want to be independent. And वो चीज़ होने को normally मेरे को बहुत time जाएगा because मेरे masters complete होने को and graduate होने को मेरे को और 4 साल है. Like इतना dependent रहना नहीं था मेरे को मेरे parents पे ये चीज़ के हिसाब से. So yeah, that's it. या फिर weather बता. Yes. या फिर I don't know, लोग ने ये क्यों किया है. That's how it's looking like. And मैंने camera को दोनों हाथों से पकड़ा क्योंकि मेरी फटी पड़ी है. But yeah, this is how it looks. प्योर गोल्डन. बस थोड़ा यहाँ पे मैं और वाइब करूँगा, म्यूजिक सुनूंगा एंड देन घर पे जाके ये वीडियो एडिट करने बैठूंगा एंड तभी विल फिनिश ऑफ विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस. एंड जो बेस्ट क्वेश्चन था वो मैंने एंड के लिए सेव करके रखा है. सो स्टे कनेक्टेड. बट नाउ दैट आई से दैट स्टेइंग कनेक्टेड फॉर यू गाइस इज लिटरली जस्ट 5 सेकंड का डिफरेंस
एंड या आई विल सी यू गाइस इन अ सेकंड और समथिंग. ओके ओके सो अभी जस्ट मेरा वो ये क्यू एंड ए का वीडियो ऑलमोस्ट पूरा एडिट हो चुका है, बट मेरे को दो क्वेश्चंस आंसर करने थे व्हिच आर काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज, शुड यू टेक ओरल सप्लीमेंट्स सच एज फिश ऑयल एंड मल्टीविटामिन एंड एक्सेट्रा. इस चीज का वीडियो इसके बाद आ रहा है वेडनेसडे को शाम को 7 बजे. वॉच दैट, उसमें सब कुछ कवर अप किया मैंने. एंड नेक्स्ट थिंग इज ओपिनियन ऑन टर्क या टर्किश शो. अभी मैं उसका कुछ परफेक्ट ओपिनियन दे नहीं सकता क्योंकि मैंने वो ट्राई किया है नहीं, बट आई एम दिस क्लोज टू ट्राइंग इट. टर्किश स्पून बेसिकली एक प्लांट बेस्ड स्टेरॉइड रहता है, इट्स अ एक्टी स्टेरॉइड. अपना ह्यूमन बॉडी में जैसे टेस्टोस्टेरोन रहता है ना, टर्किश स्पून का जो कंपाउंड स्ट्रक्चर है सिमिलर है उसके जैसा. तो बहुत सारे लोगों को बहुत ही इनसेन रिजल्ट मिले उसके थ्रू. अभी ये चीज मेरे को ट्राई करनी पड़ेगी, आइदर ट्राइंग एक्टी स्टोन या फिर टर्किश स्पून. लेट्स सी अपकमिंग मंथ्स में इफ आई राइट ऑन ऑट. एंड अगर मेरे को रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं सो आई विल मेक अ होल डिफरेंट वीडियो ऑन इट एंड टेल यू गाइस व्हाट इट्स ऑल अबाउट. या द लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू फील व्हेन यू रन इनटू द पीपल हु फैट शेम्ड यू स्कूल में. एंड ये क्वेश्चन मैंने लास्ट के लिए इसलिए सेव किया क्योंकि इट्स अ गुड वन. एंड आंसर टू दैट इज, मेरा ईगो सैटिस्फाई होता है. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने ऑलमोस्ट हर एक जन, मैंने स्कूल या जूनियर कॉलेज में जितने भी लोग थे ऑलमोस्ट मैंने सबको अवॉइड किया है 10th के बाद या फिर जब से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है. बिकॉज दे आर जस्ट टॉक्सिक पीपल एंड टॉक्सिक पीपल डोंट गेट यू एनीवेयर इन लाइफ. बट या दैट्स द ओपिनियन ऑफ माइंड. मेरा बस ईगो सैटिस्फाई था बिकॉज आई नो कि दे आर वॉचिंग ऑन माई इंस्टाग्राम समटाइम्स माई यूट्यूब. एंड या दैट्स इट आज के वीडियो के लिए. आई होप यू एंजॉयड द क्यू एंड ए. अगर आप लोगों को ऐसा और हर 2 महीने में करना है लेट मी नो बिकॉज दिस वॉज फर्स्ट आज के लिए. एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. अंटिल देन I'm at 360. I want you to see.